सहजन, मुनगा, ड्रामेस्टिक, इसे कई नामों से जाना जाता है। भारत में ये एक ऐसा फल है, एक ऐसी सब्जी है जो हर जगह पाई जाती है। सहजन एक प्रकार की फली है जिसका उपयोग सब्जी के तौर पर किया जाता है। सहजन का नाम सिर्फ दाना और जड़ बल्कि पत्तियों, इसके जो पत्तियां होती हैं हरी, उनमें भी खूब खूबी होती है। उनका इस्तेमाल भी किया जाता है सब्जी के रूप में, सूप के रूप में। कितना अद्भुत है ना, जब कोई एक चीज़ में ही ये सारे पोषक तत्व समाहित हों। ड्रामेस्टिक के पत्तियों स्वास्थ्य के लाभ की फहरिस्त में काफ़ी लंबी है। सहजन की पत्तियों में मल्टी विटामिन पाए जाते हैं। सहजन की पत्तियों के फायदों का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये कई स्वास्थ्य समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करता है। काफ़ी लंबी है इसकी फहरिस्त। मोरिंगा, मैंने जैसे कहा कि ये कई नामों से जाना जाता है। इसकी पत्ती, फल, जड़, छाल, बीज, फली और फूल, इसमें इतने औषधीय गुण होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये कई तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। आप सहजन की सब्जी का सेवन शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और संक्रमण को खुद से दूर रख सकते हैं। सहजन की सब्जी में सेहत के लिए वरदान मानी जाती है। हम इसके फ़ायदे के बारे में बताएंगे आपको विस्तार से इस वीडियो में। इसके पोषक से ये भरपूर होता है। सहजन की सब्जी में मोरिंगा की जो पत्तियां होती हैं, इसके पौष्टिकता में के मामले में गजब, जैसे कि गाजर है, संतरे हैं, यहाँ तक कि दूध को भी ये पीछे छोड़ता है। पोषण से भरपूर मानी जाती है। इसकी पत्तियों को कई तरीक़ों से डाइट में शामिल किया जा सकता है। सहजन की पत्तियों को जूस बनाकर उन्हें सब्जी के रूप में उपयोग करना भी बहुत ही आसान तरीका है, जिसे इस तरीके से भी हम अपने डाइट में से शामिल कर सकते हैं। विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। इसकी पत्तियों में विटामिन ए, सी, बी वन, थियामिन, बी टू, राइक्लोमिन, बी थ्री, नियासिन, बी सिक्स और फोलेट से भरपूर होती है। ये मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक में भी समृद्ध है। इसका सेवन आप कई तरह से ये आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। विटामिन्स और मिनरल से भी ये भरपूर होता है। अमीनो एसिड से भरपूर होता है। सहजन या मोरिंगा की पत्तियाँ अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण में ब्लॉक से भरपूर होती हैं। ये 18 प्रकार के अमीनो एसिड उनमें पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। हमारे स्वास्थ्य को बहुत हेल्दी तरीके से रखने में बहुत मदद करते हैं। सूजन से लड़ने में मददगार होते हैं। कहते हैं मुनगा एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कि सूजन, कई बीमारियों जैसे कि कैंसर, गठिया और कई ऑटोइम्यून बीमारियों को मूल कारण है। जबकि हम किसी भी चोट या संक्रमण से पीड़ित होते हैं तो शरीर में सूजन बढ़ जाती है। सहजन का सेवन करने से ये उसमें राहत मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट में समृद्ध है। इसकी पत्तियों में एंटीऑक्सीडेटिव गुण होते हैं और ये पर्यावरण में मौजूद मुक्त कणों को हानिकारक प्रभावों से बचाते हैं। मुक्त कण के कारण होने वाली क्षति टाइप 2 डायबिटीज़, हृदय की समस्याओं और अल्जीमा जैसी कई पुरानी बीमारियों के लिए जिम्मेदारी से बहुत हमारी जो स्वास्थ्य जो हमारा ये बहुत अच्छे तरीके से लाभ पहुंचाता है। इसकी पत्तियों में विटामिन सी और विटामिन कैरोटीन से भरपूर होती हैं, जो कि मुक्त कणों के खिलाफ काम करती हैं। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद होता है। निरंतर हाई ब्लड शुगर लेवल व्यक्तियों में डायबिटीज़ के विकास को जन्म देता है। डायबिटीज़ बादलों में हृदय की समस्याओं और शरीर में
क्षति का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए ब्लड शुगर के इस्तेमाल को नियंत्रण रखने में अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है ये। ओट्स, फ्लैक्सीड्स और बादाम से अलावा मोरिंगा की पत्तियां हाई कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ भरोसेमंद उपाय हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल प्रमुख कारण से कई लोगों के दिल से जैसे कि दिल की बीमारियां से जो लोग पीड़ित होते हैं, इसकी पत्तियों को खाने से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के खिलाफ ये काफ़ी सुधार लाता है। लीवर की सुरक्षा भी करता है। जिन लोगों को तामेदिक होता है वे मोरिंगा की पत्तियों से बहुत लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटी ट्यूमर कुलर दवाओं के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। पत्तियां लीवर कोशिकाओं की मरम्मत में तेज़ी से मरम्मत करती हैं। पत्तियों में पॉलीफेनोल की उच्च समृद्धता होती है जो कि यकृत को ऑक्सीडेट क्षति से बचा सकती हैं। पेट के लिए अच्छा होता है। कहते हैं मुनगा की जो पत्तियां होती हैं पाचन संबंधी जो विकार होते हैं उनके खिलाफ लड़ती हैं, ये उनके लिए फ़ायदेमंद मानी जाती हैं। जो लोग कब्ज, सूजन, गैस, गैस्ट्रिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस से पीड़ित हैं उन्हें अपने आहार में इसे शामिल करना चाहिए। ये सामग्री समान जानकारी प्रदान करती है, किसी भी तरह से योग चिकित्सक राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, बस एक जानकारी है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं।